हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल. माय चैनल नेम इज इंडियन गर्ल इन जापान. और आज जो हूँ मैं उदयपुर आई हूँ, स्पेशली शॉपिंग के लिए आई थी, थोड़ी सी, ज़्यादा कुछ नहीं. एंड रात का समय है और शॉपिंग चल रही है और ये आप देख रहे हो उदयपुर का यहाँ पर. इसमें मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ और बैठूँ, तो लेट्स सी क्या होता है. और बड़ा मज़ा आ रहा है रात में. यहाँ पे वेदर आज बहुत ठंडा है, मतलब ठंडा इतना ठंडा भी नहीं है, 21 डिग्री सेल्सियस है. एंड लेट्स सी वहाँ पर क्या होता है. तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ का वेदर, मतलब एटमॉस्फेयर कैसे है बाहर, क्या चल रहा है क्या नहीं. अगर आप मेरे चैनल पर नए हो सो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपको इस तरह से ब्लॉग्स एंड ऑल देखने के लिए और ज़्यादा मिलेगा, ठीक है. तो ये है वो जिसमें आप बैठ सकते हो और यहाँ पे कैंपेन्स चल रहे हैं, इन्होंने कुछ कैंप्स लगाए हुए. तो माए करा इतना होगा ही कहना ने सोची करा. और ये टिकट्स हैं यहाँ के. और ये देखो ये उदयपुर ब्रिज का जो लोगो उन्होंने बनाया इस तरह का. एंड रात का टाइम मैं इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये रात में ना और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है, मैंने कलर्स आ जाते हैं इसमें और बड़ा अच्छा लग रहा है. लोग हैं यहाँ पर, सैटरडे लोग हैं यहाँ पर. और ये वीनस रोड इसे बोलते हैं. यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स बहुत ज़्यादा हैं. एंड लेट्स सी क्या होता है. आज तो मैं इसमें बैठने वाली हूँ, श्योर, वॉट एवर चार्ज, कितने भी चार्ज हो, लेट्स सी मैं बैठूँगी. एंड डेफिनेटली क्योंकि मुझे इस तरह के झूले जो हमारे इंडिया में होते हैं ना, बड़ी बड़ी रोलर कोस्टर एंड ऑल, इसमें बैठने का बहुत पसंद आता है. सो या लेट्स गो और राइड करो. वहाँ पर पहले क्राउन है ये, और मैं आपको बाद में अंदर लेकर चलूँगी, लेकिन फर्स्ट वी विल गो देयर, जो राइड स्टूडियो है वहाँ पर चलेंगे, बैठेंगे अंदर एंड इन्जॉय करेंगे नाच के लाइफ टोक्यो के साथ. उनके लिए ऐसा फील नहीं हो रहा है जैसे कि यहाँ पे अभी क्रिसमस स्टार्ट हो गई है, फील ऐसा हो रहा है कि एंड सभी लोग बाहर निकल रहे हैं. यहाँ पे बहुत सारे आपको फॉरनर्स मिल जाएंगे जो कि यहाँ पर घूमने आ जाते हैं. एंड लेट्स सी क्या होता है. देख रही हूँ, मैं जा रही हूँ उसी की तरफ, बढ़ रही हूँ ताकि टिकट्स ले लूँ. और नाइट व्यू का मज़ा ही कुछ और है. ये है अंदर का मौसम और आई थिंक मैं दूसरी जगह आ गई हूँ. अरे कार पे बैठने के भी कुछ चार्जेस है. So yeah, there are lot of guides. देखिए तो मैं इसलिए आई क्योंकि ये मोरी बिल्डिंग के लाइट्स भी चल रहे हैं और इसीलिए लेट्स सी व्हाट हैपन. टिकट मैंने अब तक परचेस नहीं किया है, टिकट मुझे परचेस करना होगा. टिकट परचेस टिकट लेनी पड़ेगी. टिकट आप अपनी से
रेनबो ब्रिज दिख गया है यहाँ से। वो जो ब्रिज दिख रही है वो है रेनबो ब्रिज, लेकिन आज वहाँ पर लाइट्स नहीं चल रही है। ये नात्सु के टाइम पे बहुत लाइट्स चलती हैं वहाँ पर, लेकिन आज पता नहीं लाइट्स बंद है। एंड उसके आगे जो अगर आप देख रहे हैं बड़ा सा टावर है, ये दिस इज़ टोक्यो टावर, ये टोक्यो टावर इसे बोला जाता है। एंड स्काई ट्री मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ से, तो मैं आपको दिखा दूँगी अगर दिखा तो, लेकिन फ़िलहाल मुझे ओदाइबा का ब्रिज एंड टोक्यो टावर दिख रहा है। एंड या और यहाँ पर है ड्राइवर सिटी टोक्यो, और ये जो नीचे का व्यू है बहुत प्रिटी लग रहा है, बहुत अच्छा। यहाँ पर टीम लैब्स भी है, बहुत कुछ है देखने लायक, लेकिन आज हम लोग सिर्फ यहीं पर जाएंगे। एंड और क्या है, शॉपिंग के लिए चले आ गए थे, बस वही है और कुछ नहीं। यू कांट ओ तो इस तरह सा है ये मेरे पीछे। एंड या लेट्स सी क्या होता है। सुअर ही रुदा ते सोनम मोदा वेट मो सर सर वेक। तो ये बहुत धीरे 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 ऊपर जाता है, जैसे आपको 16 मिनट का राइड है। एंड बहुत दैट इज कसाई वन, तो ये बहुत धीरे धीरे जाएगा और बैठ कर जाओगे आप, सब कुछ देख कर जाओगे। तो यह मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और लेट्स सी क्या होता है। एक्साइटेड मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे हाइट से डर नहीं लगता है। और बहुत दिन के बाद मैं इस तरह से निकली हूँ मतलब घूमने के लिए, तो या लेट्स सी क्या होता है। कैन यू टेक माई पिक्चर, वन हाइएस्ट पॉइंट है अभी यहाँ का। एंड देखो आपको दिख रहा है क्या, ये जो है इतना क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, लेकिन या दिस इज हाईएस्ट पॉइंट, और हाईएस्ट पॉइंट ये जो है बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट है। टोक्यो टावर, रेनबो ब्रिज, टोक्यो टावर, रेनबो ब्रिज,
एंड अगर यहाँ पर जा रहे हैं तो डाइवर्सिटी है, हियर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो सी है बाकी. अभी हम लोग जो है नीचे की तरफ उतर रहे हैं, राइट स्टूडियो एंड इस तरह का रोड सब देख रहे हैं. यहाँ पे कभी कभी ये कार राइडिंग्स भी होती है, लेकिन आज उन्होंने पता नहीं शाम के टाइम पे नहीं होता है, ये मॉर्निंग के टाइम पे होता है, तो इसीलिए. एंड लेट्स सी कि ये देखो ये आ गए हम लोग और बस घूम कर वापस अपनी जगह. और अच्छा लगा ये जो व्यू है, ये अभी बाहर का व्यू आपको दिखेगा एंड वो लोग बोलेंगे कि उधर जाओ एंड अभी हम लोग उधर जाएंगे. एंड अच्छा था, 1000 rupees इनकी टिकट्स है. ओके, तो अभी हम लोग बाहर निकल गए हैं और फोटोज़ वहाँ से ख़रीदी है जो 1200 चार्जेस करते हैं. या 1200 चार्जेस होते हैं उसके. और दैट्स इट. और अभी हम लोग जाएंगे शॉपिंग के लिए थोड़ी बहुत, क्या है क्या नहीं, बिकॉज सेल्स चल रही है एंड यू नो आई लव सेल्स वेरी मच. और जब भी सेल लगती है तो मैं डेफिनेटली शॉप करना पसंद करती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत आपको चीप पड़ जाती है सेलिंग में. और अभी जो है फ़िलहाल H&M है, और फ़िलहाल H&M ज़ारा में भी सेल चल रही है. और आज जो है थोड़ा सा मौसम ठंडा है, इसीलिए हुडीज़ पहननी पड़ रही है एंड आई लव हुडीज़ ऑल्सो. तो चलो चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मॉल कैसा है. और मैंने पहले भी आई थिंक आप लोगों के साथ शेयर किया है इसका डे वाला लुक, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में डाल दूँगी, आप देख लेंगे. ज़ारा गिवन, ज़ारा में क्या क्या मिलता है, चलो चलते हैं. ओके, तो गाइस मैं हूँ चेंजिंग रूम में, ज़ारा के ज़ारा के चेंजिंग रूम में हूँ. और ये क्लोथ्स है मैं जो लेकर आई हूँ थोड़ी सी ट्राई करने के लिए एंड लेट्स सी क्या होता है. इस तरह के पैंट्स हैं एंड ये लेदर पैंट्स हैं जो भी बहुत रनिंग में चल रहा है नाउडेज. तो मैं एक एक करके आपको सब दिखाती जाऊँगी. राइट नाउ मैंने जो है मेरे मिस्टर का है जो हुडी वो वेयर किया एंड आई हैव माय ब्लू डेनिम विथ दिस. तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके. ठीक है, ओके, तो मैं हूँ यहाँ पर एंड ये जो है ये मैंने अभी जस्ट पहना है ज़ारा का एंड दीज आर द वाइट पैंट्स जो बहुत अच्छा है और कंफर्टेबल मुझे लग रहा है. लेकिन थोड़ा बहुत मैं सोच रही हूँ कि ये लूँ कि नहीं लूँ. जो डिस्काउंट में पड़ रहा है 2590 yen में मिल रहा है एंड या और इस टॉप के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से जा भी रहा है. एंड यहाँ पे भी एक बटन है, अगर जूम करके दिखाऊँ सो यहाँ पर भी एक बटन है, आप उसे भी कर सकते हो. और ये थोड़ा सा है जो मुझे लूज़ हो रहा है, थोड़ा सा
लूज हो रहा है एंड या अगर देख रहे हो अच्छा लग रहा है टॉप जो है मुझे बहुत अच्छा लगा एंड ये बहुत चीप भी है 2590 एंड बहुत हॉट लग रहा है इस टॉप में, मतलब ये समर विंटर के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। और मेरे पास इस तरह का प्रिंट में कुछ था भी नहीं तो सोचा कि ले लूँ। एंड अगेन दिस टॉप ये जो है घर जाने वाला है एंड अच्छा लग रहा है और बस वही है फिलहाल। गाइस ये है यहाँ पे मॉल, आप देख सकते हो गाइस। अभी हमने ऑर्डर किया है टपियोका मिल्क टी, तो उसका ये जो नंबर है वो मिला है एंड लेट्स सी कैसे आता है क्या आता है। और आज का जो व्लॉग है मैं आपको यहीं पर ही एंड करूँगी क्योंकि थोड़ा सा मैं टायर्ड हो चुकी हूँ बिकॉज बहुत घूम लिया हमने कि वो समय शूट नहीं कर पाई, आपको दिखा नहीं पाई और यही था। एंड अभी जैसे ही वो आता है तो उसी के साथ मैं अपना ये वीडियो एंड कर दूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं आपको मिलूँगी बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गाइस बाय बाय। और मैं आपको डेफिनेटली वो दिखाऊँगी जैसे ही वो आ रहा है। पाँच टक्के का मिल्क टी बहुत अच्छा है, बोबा का है, ब्राउन शुगर वाला, लिटिल बिट एक्सपेंसिव लेकिन बहुत अच्छा है, टेस्टी होता है, मैंने बहुत बार ट्राई किया है तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। और फिर इसी के साथ ये ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। टिल देन गाइस बाय बाय।